जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपसे दो सवाल पूछेंगे अक्सर लोग। पहला, आपकी सेहत ठीक है? दूसरा, आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं इसी के ऊपर आपका बुढ़ापा डिपेंड करता है। यदि आपका बच्चा आज 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और आप को ये नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है और उसने क्या करना है, तो आने वाले समय में अगर कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज अगर आपका बच्चा 12वीं क्लास में है या 12वीं कर चुका है, अगले 2-4-5 साल जो पढ़ाएंगे, जहां काम पे लगाएंगे, उसी से उसका भविष्य तय होगा। एक माँ बाप के तहत आपको अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना है। आपने बड़ी मुश्किल अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर लिया है। यदि अगले 10 साल आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो 60 साल के बाद आपका बच्चा आपको पालेगा, वो आपको संभालेगा। डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। आज बच्चे को सही शिक्षा के लिए क्या पढ़ाएं, कहाँ भेजें, कनाडा भेजें, ऑस्ट्रेलिया भेजें, इस चीज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित हैं। उनके माँ बाप भी चिंतित हैं कि बच्चे का फ्यूचर कैसे बनेगा। अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, बच्चे को आर्ट्स का कोर्स ले देते हैं, बच्चे को स्टेट बोर्ड में पढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। आपको बच्चे को CBSE में पढ़ाना है, बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की संगति ठीक होनी चाहिए। आज यदि आपका बच्चा गलत कामों में पड़ गया तो सारी जिंदगी आप पछताएंगे। यही एक उम्र होती है 17-18 साल की, जब बच्चे को नशे भी अट्रैक्ट करते हैं, जब बच्चा गलत संगत में जाके अपना भविष्य खराब करता है। आप एक बच्चे के माँ बाप हैं जिसकी उम्र 17-18 साल हो चुकी है, बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं, एक सही कॉलेज सही कोर्स में अप्लाई करिए। आपको पता है 50% से ज्यादा वीजे नामंजूर हो जाते हैं क्योंकि गलत तरीके से लोग अप्लाई करते हैं। आपको कोई ऐसा एजेंट ऐसा कंसल्टेंट ढूंढना जिसका कोई इतिहास हो, जिसको कोई तजर्बा हो। खुद की बात करूं तो हम पिछले 15 साल से लोगों को भेज रहे हैं, ये 15वां साल है हमारा, हजारों लोगों को हमने भेजा है। आपके बालक का 2-4-5 बार वीजा नामंजूर हो चुका है। हमारे पास इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है कि हम आपके बच्चे को उसके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। सही दिशा दिखाने वाले लोग कम हैं, ज्यादातर लोग आपको शॉर्टकट बताएंगे। आपको अगर कनाडा भेजना बच्चा तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, बैचलर डिग्री करने के लिए भेजना है, जिससे बच्चा कुछ सीखेगा और बच्चे को PR भी मिलेगी। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऐसा ही अमेरिका में होता है, ऐसा ही यूरोप में होता है। एक अच्छी पढ़ाई आपके बच्चे की जिंदगी बदल देगी। ध्यान ना दिया तो आने वाला समय बहुत गंभीर रिजल्ट दिखाएगा आपको। चिंतित हैं, डर है बच्चे के फ्यूचर का, एक बार मुझे जलंधर चंडीगढ़ आके मिलिए। कैसा भी केस है आपका, कमजोर है बच्चा, नलायक है, पढ़ाई में नंबर कम है, कोई भी समस्या है, उसका हल मैं निकाल के दूंगा। आपके बच्चे को सही रास्ते की जिम्मेदारी हमारी होगी कि उसको कैसे ग्रो करना है। उसका हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे, आपको बताएंगे आपके बच्चे के अंदर क्या अच्छे गुण हैं और उसका क्या रुझान है और कौन सी पढ़ाई के लिए वो बना है। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, समझदार आपको होना है। आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US कहीं पे भी बच्चे को भेजना है। कोई डाउट है आपको, किसी तरह का कोई वहम है, एक बार हमें आके मिलिए। आपको ऑस्ट्रेलिया भेजना है, आज लाखों रुपए बच्चे कमा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों के आइल्स में PT में बैंड कम होते हैं, पढ़ाई में गैप पड़ चुका होता है, नंबर कम होते हैं, स्टेट बोर्ड से पढ़े होते हैं, पुराने फंड नहीं होते। फिर बंदा सहारा लेता है फंड मैनेजमेंट का, गैप पूरा करने का, नकली सर्टिफिकेट बना के बच्चे गलतियां करते हैं। अगर आपको भी सक्सेस होना है, बच्चे को कामयाब बनाना है, तो सही मार्गदर्शक होना आपका जरूरी है। एक बार हमें आके मिलिए जलंधर चंडीगढ़, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए। आपके बच्चे को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी मेरी होगी।